हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी। तो नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। तो एक बार जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर आपके अभ्यास में जो आप शेयर करना चाहेंगे उसको हम लोग सुनेंगे, और हमारी तरफ से जो सहायता हो सकती है उतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो पूरे अभ्यास को देखेंगे तो हम लोग निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, अपने सुख में निरंतरता चाहते हैं, और निरंतर सुखपूर्वक जीने को देखेंगे तो अगर हमको ठीक ठीक जीना है तो हमको ठीक ठीक समझना जरूरी है, और जीने को देखेंगे तो हमारे जीने का जो फैलाव है वो पूरे अस्तित्व तक है, इसलिए पूरे अस्तित्व तक को समझना जरूरी है। तो समझने जाएंगे तो स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व तक को समझना, इतना हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। और अस्तित्व को समझने का काम करेंगे तो पूरे अस्तित्व को देखेंगे तो उस अस्तित्व के रूप में दिखता है, और इस अस्तित्व को देखेंगे तो प्राइमरीली दो प्रकार की वास्तविकताएं हमको दिखती हैं। एक तो इकाइयां दिखती हैं, यूनिट्स, और शून्य, स्पेस। और ये यूनिट्स को अगर हम देखेंगे तो स्पेस के साथ साथ अस्तित्व में है ये भी हमको दिखता है। तो ब्रॉडली तो दो वास्तविकताएं हैं, यूनिट्स और स्पेस, और देखेंगे तो ये यूनिट्स हमको स्पेस में संपर्क है ऐसा भी दिखेगा। इकाइयों को और देखने जाएंगे तो मटेरियल यूनिट और कॉन्शियसनेस यूनिट, जड़ इकाई और चैतन्य इकाई, ये दो इकाइयां हमको और ध्यान देंगे तो हमको और दिखाई देगा। तो सबको जोड़ के देखेंगे तो मूलतः तीन तरह की वास्तविकताओं को समझने की बात हो रही है। एक तो चैतन्य को समझना है, स्वयं को समझना है, सेल्फ को समझना है, कॉन्शियसनेस को समझना है। नंबर दो, जड़ को समझना है, तो उदाहरण के लिए हम लोग शरीर को समझेंगे। फिर पूरे सअस्तित्व को समझना है, और सअस्तित्व जो शून्य के साथ बना हुआ है इकाइयों का, उस पर ध्यान देना है। तो मूलतः तो इतनी बातों को हम लोग समझने की बात कर रहे हैं। तो ये तीन रियलिटी हैं, तीन वास्तविकताएं हैं जिन पर हम ग्रेजुअली ध्यान दे रहे हैं। तो अभ्यास एक, अभ्यास दो पर अभी हम लोग इस पूरे मंथ में चर्चा करेंगे, जिसमें से अभी हम लोग चैतन्य इकाई पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की बात कर रहे हैं। तो देखना तो अभी भी हमारा हो ही रहा है, लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत सारा देखना बाहर भी हो जाता है, कभी कभी अपने ऊपर भी ध्यान जाता है, लेकिन इस अभ्यास के थ्रू हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं अपने को निरंतरता में भी देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देख पाऊं। इसका अभ्यास निरंतरता में करना आवश्यक है। तो जब मैं स्वयं में पूरी तरह से अवेयर हो जाऊंगा, स्वयं को ठीक से देख लूंगा, फिर मैं जड़ को भी ठीक से समझ पाऊंगा और पूरे अस्तित्व को भी ठीक से समझ पाऊंगा। इसलिए अभ्यास एक को देखेंगे तो कॉन्शियसनेस के द्वारा कॉन्शियसनेस को देखना है, चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखना, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं, और बहुत लोगों का हमें से ध्यान गया भी है कि जब देखने की बात कर रहे हैं तो हम लोग को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने से पूछें कि अगर अभी हम कंफर्टेबल हैं कि अनकंफर्टेबल हैं, तो ये हमको डायरेक्टली दिख जाता है, इसके लिए हमको आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, कानों की जरूरत नहीं पड़ती है, इवन शरीर को भी हम रेफरेंस में नहीं ला रहे हैं। तो सीधे सीधे मैं अपने में देख लेता हूँ कि मैं अभी कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको अपने को सीधे सीधे देखने का पोटेंशियल पहले से बना हुआ है, और सीधे सीधे हम देख सकते हैं, इस बात का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए
शरीर का पोस्चर क्या है ना, वो जो भी आपको कंफर्टेबल पोस्चर लगता है उसमें लोग बैठ सकते हैं। और जब देखने की बात कर रहे हैं तो शरीर की स्थिति क्या है वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, लेकिन देखने का काम तो चैतन्य का ही होता है और मेरे में देखने का पोटेंशियल है। इस बात के साथ हम लोग इस पूरे अभ्यास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तो प्राइमरीली ये बात कर रहे हैं कि स्वयं को देखना है, सजग रहना है, हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देखना है, और क्या नहीं करना है उस बात पर भी हम लोग इसलिए ध्यान दिला दे रहे हैं क्योंकि जो नहीं करना होता है हमारा उस पर अभ्यास है भी चलने का, तो हम वो सब काम करने लगते हैं। तो क्या नहीं करना है, तो सिंपल मूल्यांकन नहीं करना है, अभी प्रतिक्रिया नहीं करना है, उसको रोकने का प्रयास नहीं करना है, बदलने का प्रयास नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा देखना है, इसका निर्णय बनाए रखना है। तो इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो कई बार ध्यान हमारा बाहर चला जाता है, तो बाहर भी जा रहा है तो भी उसको निर्णय बना के रखे कि ध्यान तो मुझे अपने में देना है, अपने कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसका मूल्यांकन नहीं करना है, इफ बट वाई हाउ ये सब नहीं लगाना है, सिंपली उसको ऑब्जर्व करते रहना है। तो एक बार अगर मैं उसको पूरा होते हुए देख लूंगा फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर देखते देखते हम बीच में इंटरप्ट कर देते हैं है ना, तो फिर हम उसी में उलझने की संभावना बनी रहती है, फिर नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि एक बार इस बात को समझ लें कि हम हमारे में इतना पोटेंशियल भी है कि हम अपनी कल्पनाशीलता में जो भी कंटेंट चल रहा है सीधे सीधे उसको देख सकते हैं। देखने के साथ फिर क्या करना है उसको हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। तो इतनी बात ब्रीफली हम लोग रख रहे हैं अभी, तो इसमें आपका जो भी शेयरिंग है, जो भी तब तक आपने अभ्यास किया है कल से आज तक, उसमें अगर प्रोसेस में प्रक्रिया में कुछ आपकी शेयरिंग है, कुछ आपका प्रश्न बन रहा है, तो उसमें हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। भैया, इसी प्रोसेस में मुझे एक क्लैरिफिकेशन, पहले मैं अपना शेयरिंग कर लेती हूँ, फिर एक क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होगा कि जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अभी काफी सत्रों से जुड़े ही हुए हैं, तो ऑब्जर्वेशन करते ही फिर दिखने तो लग जाता है कि है ना, ये थॉट जो है इसके पीछे का भाव भी दिखना शुरू हो जाता है साथ के साथ, और फिर मान्यता भी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे ये लगने लग जाता है कि मैं उसमें फिर दुखी हो रही हूँ। फिर जैसे ही ये थॉट आता है तो मैं अपने आप को रोक लेती हूँ और डिसाइड करती हूँ कि मुझे ऑब्जर्व करना है, मतलब मैं ऐसा प्रोसेस कर रही हूँ। तो रोकने का अर्थ है कि मैं वो थॉट या वो मतलब वो थॉट को दोबारा नहीं वो करती, बस जैसा है वैसा चल रहा है, जैसा ऑब्जर्वेशन में वो मैं मतलब देखती रहती हूँ, बट उस थॉट के ऊपर नहीं वो करती कंसंट्रेट। तो ये क्या रोकना हुआ, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी, या फिर ठीक है कि उस थॉट को नहीं सोच रहे हैं लेकिन वैसे ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे ही वो थॉट होता है तो हम दुखी होना शुरू करते हैं, रिएक्शन चलना शुरू हो जाता है, और वो रिएक्शन पूरा पूरा दिन भी चलता है, और फिर हर बार यही निर्णय होता है कि नहीं ऑब्जर्व करना है, बट इस थॉट को नहीं ऑब्जर्व करना, मतलब ऐसा बनने लगता है। और फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि मान्यता तो कहीं कहीं दिख ही रही है, लेकिन साथ साथ वो दुखी कर रहा है इसलिए उसको छोड़ते जाते हैं। और ऐसा भी डिसीजन होता है कि ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब अब ये क्या चीज है, थोड़ा इसको क्लैरिफाई चाहती थी। जी भैया, मेरी बात अगर समझ में आई हो तो। जी, बिल्कुल। तो देखिए अभी एक लाइन में मैं ब्रीफ आंसर देता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हमको छोड़ना है ना, यहाँ से निकलकर हमसे वो छूट जाए, यहाँ तक पहुँचना है। तो अभी क्या है, हम बहुत एफर्ट लगाकर उसको हटाते हैं वहां से, हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं उसको जब हम देख रहे होते हैं, और उस प्रोसेस में हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसा विचार आ गया है, कुछ ऐसा संस्कार आ गया है जो हमको सहज नहीं
चल रहा है ना, असहजता है उसमें, तो असहजता है, और अब हम उसको निर्णय पूर्वक छोड़ रहे हैं, मतलब हट जा रहे हैं वहां से, तो ये एक तरह की प्रतिक्रिया है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है, हम बिना उसका मूल्यांकन किए उसको छोड़ दे रहे हैं, है ना, जबरदस्ती हटा रहे हैं अपने आप से। तो उसमें होगा क्या, वो धीरे धीरे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो बैकग्राउंड में बना रहेगा, हम कहीं और ध्यान देने लगेंगे, ये उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने में बना हुआ है तो फिर से उभरेगा ही, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया तो कर ही रहे हैं और आप इतना अभ्यास कर रहे हैं उसको देखने का। तो जब अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीजें दिखेंगी, जो हमारे लिए सहज विचार इच्छा आशा है वो भी दिखेगा, जो असहज है वो भी दिखेगा। लेकिन अगर हम उसको पर्पसफुली ड्रॉप कर देंगे, नहीं अभी इसको नहीं देखना है क्योंकि मैं दुखी होती हूँ, तो बेसिकली वहां से हम ध्यान हटाते हैं, फिर हमारा देखने वाला जो कार्यक्रम है ना वो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो वो देखने वाला भी पूरा नहीं हुआ है, हमने किसी और को देखना चालू कर दिया है। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में तो अपने में बना ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने उसको पूरी तरह से आने भी नहीं दिया है ना। वो होता क्या है कि जब हम ऐसे विचार हमारे में आते हैं तो थोड़ा सा भी हम असहज होना चालू होते हैं तो हम अपने में परेशान होने लगते हैं, और हम उसको ध्यान हटा के कहीं और जाते हैं, जबकि देखेंगे वो जो उभर के आया है जिससे आप असहज फील कर रहे हैं वो तो अभी उभरा ही है, उसकी डेप्थ कितनी है अभी हम सही से देख भी नहीं पा रहे हैं उसको। तो डेप्थ में देखेंगे तो बहुत सारा बना हुआ है, जो उभर के आया वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है अभी, और उभर के आ रहा है क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, है ना। तो पूरे ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को देखेंगे तो यह है जो हम देखने का काम कर रहे हैं, तो हम चीजों को अलाउ होने दे रहे हैं कि अब जो भी विचार है उसे आने देते हैं, चाहे वो सहज हो मेरे लिए चाहे असहज है, दोनों विचार को हम सहमति दे रहे हैं कि उसको आने देते हैं, आने दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, ये एक स्टेप अच्छा रहा कि हमने उसको भी आने दिया, जो सहज है उसको भी आने दिया। लेकिन ये जो असहज आ रहा है इससे अब जो हम ड्रॉप कर रहे हैं अब ये समस्या है, क्योंकि वो पूरा उभर के अभी आया नहीं है, उसका अगर डेप्थ देखेंगे तो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूंगा कि उसको पूरा उभरने दीजिए, वो असहज हो रहे हैं तो उसको स्वीकार के रखना पड़ेगा हमें कि हमारी कल्पनाशीलता में जो है वही तो बाहर आ रहा है ना। अब हम उसको अलाउ कर रहे हैं इसलिए बाहर आ रहा है, और अलाउ करिए उसको आने दीजिए, सिर्फ देखते रहिए। तो जब तक वो पूरा बाहर नहीं आ जाएगा तब तक हम उसकी डेप्थ को भी नहीं देख पाएंगे कि कितना इंटेंसिटी के साथ हमें ये बना हुआ है। तो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे ऑब्जर्वेशन की, तो यही हम कर ही रहे हैं, चीजों को अलाउ कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते रहे हैं, हम बाहर इंगेज करते रहे अपने को, तो हम अलाउ भी नहीं करते थे कि असहज चीजें को हम देखेंगे। तो जैसे ही हम असहज होते थे हम बाहर इंगेज हो जाते थे। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जब हम चैतन्य इकाई के थ्रू चैतन्य को देख रहे हैं, तो जब देख रहे हैं तो हम उसको अलाउ भी कर रहे हैं, है ना, कि बाहर आने देते हैं, तो उसको आने दीजिए, और उसको हम देखते हैं कि कितना देर तक ये आता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है। एक बार अगर हम उसे आने भी देंगे और स्वीकार भी लेंगे कि हाँ ये मेरे अंदर बना हुआ है वही उभर के आ रहा है, तो भी एक हद तक जो परेशानी है वो निकल सकती है, संभावना है ना। डीपर तो फिर इवेल्यूशन के साथ ही जाएगी, जो हम लोग आगे के स्टेप में करेंगे, लेकिन कम से कम उसे बाहर तो आने दें। अदरवाइज क्या है, वो अंदर बना हुआ है तो बहुत सारे जो हमारे कल्पनाशीलता में कंटेंट है वो उससे प्रभावित होते रहते हैं, और भी नई चीजें फिर बनती रहती है असहज वाली, है ना। तो जैसे वो होता है ना, जैसे मान लीजिए एक बर्तन में है कोई, आपने कुछ रख दिया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रैट है, चूहा, उसको आपने बर्तन में रख दिया है बंद करके, अब वो तो धक्का मारता रहेगा, बर्तन से आवाज आती रहेगी, आप उसका ढक्कन निकाल लीजिए और उसको निकल जाने दीजिए। तो अभी क्या है कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे तो वो और जगह आवाज करता रहेगा, यानी कि इधर उधर छिड़ता रहेगा, तो उस विचार से और भी विचार प्रभावित होते रहेंगे, और अभी हमारी उतनी अवेयरनेस है भी नहीं कि जो उस विचार से बाकी चीजें प्रभावित हो रही है उसको भी हम ठीक से देख लें, उसका भी अभी हमको अभ्यास नहीं है।
तो उसको आने दीजिए, असहज है तो उसको स्वीकार लीजिए कि हाँ ये है, तो जो है वही तो आ रहा है मेरे में, तो इसको एक बार आने दीजिए पूरा सर। तो उसी को हम लोग बार बार यहाँ ध्यान दिला रहे हैं कि हमको उसको इंटरप्ट नहीं करना है, हमको उसको चेंज नहीं करना है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाए उससे हटके, ये नहीं होना है, होना है इस प्रक्रिया में क्या होना है उसको आने दीजिए। और आप असहज हो रहे हैं उसके आने से, उसको भी आने दीजिए, एक बार उसका पूरा जो है ना उभर के बाहर आ जाने दीजिए, और उसको देख लीजिए कितना बाहर आएगा। ये इतना अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले जो आगे स्टेप्स हम करेंगे उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो, है ना। लेकिन ये जी प्रक्रिया भैया, है जी, ये प्रक्रिया है, ऐसा ही होगा और इसी को हमको होने देना है, तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, हम क्या उसको रोकने का प्रयास करते हैं, हटाने जी का भैया, प्रयास करते हैं। ये करेक्शन ही है भैया। मैं अभी उसको ऐसा ही कर रही थी कि क्योंकि वो अगले स्टेप्स हो जाते हैं करने कि वो मुझे असहज कर रहा है, मेरे को स्वीकार नहीं है, तो फिर वो हम अल्टीमेटली उसको हटाने की कोशिश ही करते हैं और इवैल्यूएट भी हो जाता है बीच बीच में थोड़ा, और फिर वो ठीक भी हो जाता है तो हमको लगता है कि हाँ ये हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, वो ये संस्कार पहले भी मुझे दिखा, अब भी दिखा, और ये भी दिखा कि मेरे में है, असहज भी करता और काफी देर तक असहज करता रहता है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ और ये भी डिसाइड करती हूँ कि ऑब्जर्व करते रहना, लेकिन दूसरे दूसरे और विचारों को देखती हूँ, फिर इसको मतलब निर्णय लेके छोड़ती हूँ। तो और इससे मुझे आराम भी आने शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी प्रक्रिया ठीक हो रही है। तो ये कंफ्यूजन मेरे में था जी भैया। ठीक है, तो अब इतनी योग्यता बनानी है कि वही कि असहज हो भी रहे हैं तो भी हम उस थॉट को ड्रॉप नहीं करें, देखते रहें उसको। तो ये जी भैया, ये अगला काम लग रहा है मुझे अपने लिए। धन्यवाद भैया। तो उस असहजता को भी ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार अच्छे से। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते, भैया नमस्ते। परसों से, कल भी मैं बात रखना चाह रही थी बट समय की वजह से नहीं रख पाई, और परसों भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे और कल भी, कि जब आपने बोला कि हमें विचारों को देखना है, मतलब अंदर क्या चल रहा है सेल्फ में उस चीज को ऑब्जर्व करना है, तो मैं ये देख पाई भैया कि जैसे एक विचार आता है और फिर दूसरा शिफ्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से कोई चीज सोचते हैं, जैसे मैं जॉब शिफ्ट करने की सोच रही थी कि दूसरी जगह जॉब देखूं, फिर उससे एक और विचार आया कि अगर शिफ्ट करती हूँ तो क्या उससे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और फिर लगा कि इसको मैं इवेल्युएट कर रही हूँ। फिर आपकी बात ध्यान आई कि अभी इवेल्युएट नहीं करना है, बस उसको देखना है सिर्फ, तो इवेल्युएशन की जरूरत नहीं है। फिर लगा कि ठीक है, नहीं तो ये भी सोच रहे थे कि हाँ वहां चले जाएंगे तो फिर बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी, सैलरी वाइज ठीक हो जाएगा उससे, ये सब चीजें। फिर वापस आ गई, फिर उसके बाद भी जैसे एग्जाम ड्यूटी थी भैया, तो उसमें भी काफी सारी चीजें ऑब्जर्व कर पा रही थी, और जैसे पहले क्या होता था कि ब्लैंक होता था, कभी टाइम देख दिखता ही नहीं था, और उसको देखने के लिए भी टाइम लगता था, समय लगता था, और फिर उसके बाद कोई विचार आता था, फिर वो ध्यान आता था कि अच्छा ये विचार आ रहा है। तो जब कल आपने बोला कि हमको ऐसा नहीं है कि मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है कि चल तो रहा है बट शायद हमारी योग्यता इतनी नहीं बनी है तो वो दिख नहीं रहा है, तो फिर वो चीज क्लियर हुई, तो फिर लगा कि हाँ ठीक है। तीसरी चीज ये भी कहना चाह रही थी कि कई चीजों की वजह से भाव बिगड़ रहा है, कि बाहर की जो परिस्थिति है उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से भाव बिगड़ रहा है, वो चल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो एक तो ये वाली बात बनी कि हाँ ठीक है, वो जो इंसिडेंस हुआ उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, और दूसरे के भाव दूसरे के व्यवहार की वजह से वो फिर भाव में गड़बड़ हो रहा है, तो वो भी समझ में आ रहा है, तो वो भी चल ही रहा है, मतलब उसको भी अभी तक मुझे लगता है क्लैरिफाई नहीं कर पाई। तो भैया आप थोड़ा सा भी मार्गदर्शन करें कि किस तरह से इसको मैं मतलब सही समझ पा रही हूँ या नहीं। जी भैया, देखिए अभी क्या है ना, हम इवेल्युएशन नहीं कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं ज्यादातर समय, है जी भैया ना। और एनालिसिस करके कुछ कंक्लूड करते हैं, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह, फिर हम उसकी एनालिसिस करने लगते हैं, और फिर एनालिसिस करते समय उसका आधार क्या है इसका भी हमको अवेयरनेस है कि नहीं है, एक इशू तो है ये भी, है ना। तो वो जो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं ना, तो इधर से उधर शिफ्ट करते के बीच में
हम कोई और भी निर्णय लेते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, फिर किसी आधार पर कंक्लूड कर देते हैं, उस कंक्लूजन से जो नेक्स्ट विचार कनेक्ट होता है उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारा अभी अभ्यास है, और जितने भी लोग स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और जो टीचिंग में, विश्लेषण करने का बहुत अभ्यास है हम लोग का। मूल्यांकन की जब बात कर रहे हैं, इवेल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक अलग बात कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। बिल्कुल उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे मूल्यांकन का क्या मतलब है, लेकिन अभी तो हम लोग विश्लेषण को ही, एनालिसिस को ही मूल्यांकन करना मान लेते हैं जनरली। तो इसलिए वो एनालिसिस में बहुत जल्दी कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करके कुछ विचार उससे कनेक्ट होता है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसकी कुछ एनालिसिस करने लगते हैं, फिर कुछ कंक्लूड करते हैं, फिर उससे जो विचार कनेक्ट होता है फिर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमको बहुत रेंडम लगता है कि एक विचार से दूसरे विचार शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बीच के प्रोसेसेस देखेंगे ना, जो सब प्रोसेस भी चल रहे हैं, उस पर भी हमारी अवेयरनेस आना जरूरी है ना। तो भैया, अभी ये तो कनेक्शन तो दिखता है कि मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो उसमें कुछ तो कनेक्टिविटी है कि जिसकी वजह से एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी दिखती है। पर मतलब ये मैं क्लियर पूछना चाह रही थी बेसिकली कि जो ये अभी तक का प्रोसेस जो हम कर रहे हैं कि सेल्फ से सेल्फ को ही देखना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी में ध्यान जा रहा है, बॉडी पे इंटरेप्ट हो रहा है कि अगर आप बैठते हो सोचते हो तो आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है, आपको अगर शरीर में कुछ चीजें हो रही है तो वो समझ में आ रही है, फिर ध्यान आता है कि नहीं, यहाँ ध्यान नहीं देना है, सेल्फ में ही ध्यान देना है कि चल क्या रहा है। एक और चीज थी भैया कि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ आप काम कर रहे हो या कुछ आप और चीज देख लो और उसके साथ साथ सेल्फ, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दो चीजें हम एक साथ कर पाए कि आप चल रहे हो और चलने के साथ साथ आप सेल्फ पे ध्यान दे रहे हो? ये भी थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी भैया, कैसा हो पाता है क्या? कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं जी जी भैया, एक एक जी करके हम लोग आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है तो भैया, बहुत सारे प्रश्न का तो उत्तर अपने आप भी निकल ही जाएगा जी। जी तो ठीक है, अभी ये वाला जो आपने लेटेस्ट कर दिया है, इस पे फिर मैं आ जाता हूँ अभी। तो देखिए, ये तो अभी ध्यान देंगे ना, तो आप अपने में देखते हुए सारे निर्णय ले रहे हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं, तो बात करने का निर्णय आप कहाँ लेते हैं? कल्पनाशीलता में लेते हैं, है ना। कल्पनाशीलता में निर्णय ले रहे होते हैं, फिर कल्पनाशीलता में तय कर रहे होते हैं कि अब करना क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, कौन सी भाषा यूज करनी है, किन शब्दों को लेना है, तो उसके थ्रू, बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अभी जैसे कई बार देखेंगे ना कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ लोग होंगे तो आप देखेंगे कि वो सुन नहीं रहे होंगे, वो उसका क्रॉस क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत सुन भी रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन भी तैयार कर रहे होते हैं, उसकी बात पूरी नहीं होती है लेकिन वो कंक्लूजन भी निकाल लेते हैं। तो ये काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब हम बाहर कर रहे हैं तो अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप बाहर भी कुछ कर रहे हैं, उससे पहले बहुत सारा अंदर चलाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर दूसरा वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, फिर उसको सुनने का निर्णय लेते हैं, तो कानों से आवाज भी जा रही होती है, आप सुन भी रहे होते हैं, सुन के फिर कुछ निर्णय ले रहे होते हैं, है ना। तो आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय बहुत सारा देखेंगे, तो कल्पनाशीलता में भी कुछ चल रहा होता है। इशू केवल इतना है कि अभी मैं ध्यान कहाँ दूंगा। तो अगर मैं भोजन पे ध्यान दूंगा तो मैं भोजन दिखता है, उस समय मैं अपनी कल्पनाशीलता पे ध्यान दूंगा तो कल्पनाशीलता में चल रहा है ये दिखने लगेगा। उस समय जो टीवी चल रहा है, अगर मैं उस पर ध्यान दूंगा तो टीवी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो मेरा ध्यान बहुत तेजी से शिफ्ट होता है ना। तो ध्यान तेजी से शिफ्ट हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह ध्यान बनाने का अभ्यास करिए अभी। तो अगर अपने में ध्यान देते देते बॉडी पर ध्यान चला गया है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। और उसको यहां से भी शुरू मत करिए, बॉडी में मेरा ध्यान क्यों चला गया, मुझे तो अपने पे देना था। आप यहां से उसको लीजिए कि बॉडी पे ध्यान चला गया है लेकिन ध्यान तो मुझे अपने में देना है, इतना बनाए रखिए। तो नेचुरली जब अपने ऊपर ध्यान शिफ्ट होगा ना, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम इस तरह से बिना प्रतिक्रिया दिए कि ध्यान कहीं भी जा रहा है लेकिन हमको अपने में ये बनाए रखना है कि ध्यान अपने में ही देना है,
तो ग्रेजुअली क्या है, अपने में ध्यान देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। तो अपने में जब ध्यान देने की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी और आपका ध्यान अपने पर जाने लगेगा और उसको हम ठीक से इवेल्युएट कर पाएंगे आने वाली स्टेप्स में, तो फिर हम जो बाहर जो इंट्रेक्शन कर रहे हैं ना वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अभी तो क्या है कि थोड़ी देर बाहर ध्यान देते हैं, फिर तुरंत अपनी तरफ चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो चीज़ों को भी ठीक से हम सुन भी नहीं पा रहे हैं बाहर से, है ना, कोई कुछ कह रहा है उसको रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना फोकस से ध्यान देना भी चाहिए बाहर भी, उतना भी उसको फोकस से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि शिफ्टिंग होती रहती है। और वो शिफ्टिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि कल्पनाशीलता में बहुत सारा शिफ्टिंग हो रही है, तो कल्पनाशीलता में बहुत सारी प्रायोरिटी तय नहीं होती हमारी, तो हम चारों तरफ ध्यान लगाए रखना चाहते हैं, है ना, तो वो चारों तरफ ध्यान लगाए रखना चाहते हैं, तो उस चक्कर में चारों तरफ से जो बहुत रिसीव होना चाहिए वो हो नहीं पाता फिर, तो इसलिए वो कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जाए, है ना। और जो हम लोग स्टेप्स ये बोल रहे हैं कि ध्यान बाहर चला गया तो चला गया, उस समय इमिजिएटली रोक के वापस मत आइए, उस समय अपने में निर्णय बना लीजिए कि अभी मेरा ध्यान बॉडी पर है लेकिन देना मुझे अपने में, तो थोड़ी देर बाद वो स्वतः ही ध्यान अपने आप के पास आ जाएगा, तो ये नेचुरल होने लगेगा ना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपका अपने को देखने का, है भैया, ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए भी थे कि परसों से, मतलब इससे ना। पहले भी मैं ध्यान दे रही थी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, और अब जी क्या हो रहा है कि इस वाले पार्ट पे ना ज्यादा ध्यान दे रहा है, दिया जा रहा है कि ये लग तो बहुत सिंपल स्टेप रहा था कि अपने आप में देखना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, विचारों को देखना है, और विचार इतने सारे चल रहे हैं, बस विचार ही विचार चल रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा था। और वो फिर वो परसों का भी मैटर था और कल का भी मैटर था, तो इसलिए वो सारे के बढ़िया सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे हो गए। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत है, विचार बहुत सारे चल रहे हैं क्योंकि उसके पीछे भाव है, हाँ तो जी। धीरे धीरे हमको विचार से नीचे जाके भाव को देखना पड़ेगा, है ना। वो भाव के लेवल पर जब चीजें सेटल करेंगे तो विचार वाला पक्ष जो है अपने आप सेटल होने लगेगा, उसी के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले अगर विचार दिख रहा है तो विचार को देखने का अभ्यास करें, फिर अभ्यास करते करते विचार के पीछे का भाव भी हमको दिख सकता है, और अभ्यास करते करते भाव के पीछे का संस्कार भी हमको दिख सकता है, तो सेटल तो जितना सूक्ष्म जाते जाएंगे वहीं जाके ही सेटल, वो ऊपर वाले को अगर सेटल करने की कोशिश करेंगे ना तो तर्क के आधार पर सेटल करने लगेंगे, जी तो एक बार तर्क में चले जाएंगे तो फिर तो तर्क से तर्क तैयार होते रहते हैं, धन्यवाद है ना। तो उसका पहला भैया। सिंपल स्टेप यही है कि ऑब्जर्वेशन पहले किया जाए, इस प्रक्रिया को पहले समझ लिया जाए ठीक से। जी दीदी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, नमस्ते गोपाल भैया जी, नमस्ते नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर प्रशांत नागपुर से बात कर रहा हूँ, करीब करीब 4 साइकिल से जुड़ा हूँ, 7 8 9 10। कल के अच्छा डिस्कशन में भैया मैंने मैंने आपको पहले एक संडे को भी सुना था, 2 3 संडे जो थे ना मंथली जी मीटिंग, जी कल के डिस्कशन में एक अच्छा पॉइंट निकल के आया, लेकिन शायद मेरे सुनने में गलती है या मेरा थोड़ा सा विचार ठीक नहीं है, कि आपने जब देखा निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने में हम सुख अगर दिखता है तो सुख को भोगने लगते हैं, लेकिन जी साथ में ये भी बोला गया कि दुख भी दिखता है तो भोगने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भोगने की जगह भागने वर्ड थोड़ा मेरे लिए ठीक लग रहा है, तो क्या ये सही है, थोड़ा सा बताएंगे आप दुख के लिए। देखिए, उसमें क्या है, सुख जी को तो हम लोग बहुत क्लियर समझ लेते हैं, भोगने लगते हैं, है ना। जी जी अगर दुख में भी आप इन्वॉल्व हो गए जाकर और उसमें बहुत जी सारा उछल कूद करने लगे, तो उस दुख में भी आप कुछ तो ढूंढ ही रहे होते हैं, की जी वजह से आप उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, भले उसमें सुख का रास्ता ढूंढ रहे हैं और दुखी होते हुए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व इंडल्ज होने लगते हैं, उसका कारण जी ढूंढने लगते हैं, तो हम दुखी भी हो रहे हैं और उसके कारण भी ढूंढ रहे हैं, इंडल्ज भी हो रहे हैं, ये वाला भाग हम उसमें करने लगते हैं। तो अगर तो हमको पता चल जाए कि हमको दुख है ना, तो हम जी उसमें इतना इंडल्ज ही क्यों होंगे। जी और दूसरी बात जो आपने की कि उससे भागने का ज्यादा सही वर्ड है, जी तो भागना भी सही वर्ड नहीं है, सही चीज तो ये है
कि वो पूरे दुख को बाहर आने दीजिए और आप उसका एज इट इज ऑब्जर्व करिए, है जी हाँ, ना? तो उसमें वो इंटरेस्ट भी तो नहीं है। जी जी हाँ, ये तो बात आपकी सवेरे से चली रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जी मेरा एक मानना है, मतलब या मैं जो भी प्रोसेस से जा रहा हूँ, अगर जी दुख दिखे, जैसा जिस रास्ते से मुझे जाना ही नहीं है, उधर मैं मतलब सोचूंगा ही नहीं ना उसके बारे में। अगर मुझे मेरे जो इनेटनेस है निरंतर सुख पूर्वक जीने की, तो मैं सुख के लिए मतलब सुखी होकर ही सब करूंगा। जैसे दुख दिखता है मैं भाग जाऊंगा। भोगने और भागने का मेरा कल से थोड़ा चल रहा है, तो जी ये ठीक है ना? मतलब भागना भी नहीं है और भोगते वक्त उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भैया? भागना भी नहीं है और उसको इंडल्ज होके, है ना, जाना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। अच्छा, मतलब भागना भी नहीं और भोगना भी नहीं, ऐसा समझे? बिल्कुल जैसे बिल्कुल सुख बिल्कुल को भोगते हैं। हाँ जी, जी, वो सुख को भी भोगने लगते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो जैसे अच्छा कल्पनाशीलता में कुछ अच्छा चल रहा है, मान लीजिए आप कोई कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी उसमें आपने कल्पनाशीलता में ऐसी स्थिति देखी, ऐसा कुछ चीज दिखा आपने कि आपका सम्मान हुआ है, जी अब आप आगे का व्यू रचना करने लगते हैं, अगली बार ऐसा जी होगा बिल्कुल तो, है ना, जी तो और सम्मान मिल जी सकता है, ये दो लोग और उस समय होते तो ये भी देख लेते मेरा कितना सम्मान होता है। अब ये सब जो करने लगे हैं ये उसको भोगने लगे हम, हाँ बिल्कुल है ना? ऐसे ही दुख में भी एक स्ट्रीम चल सकती है, इसका मैंने जी इतना किया था उस समय होता तो इसका और अपमान हो जाता, और अपमान हो जाता तो बढ़िया रहता। अभी हम दुख वाला ही पूरा विचार कर रहे हैं, अपने को भी दुखी कर रहे हैं और उसको भी दुखी करने का ही पूरा प्रोग्राम तय कर रहे हैं, इसमें भी हम इंडल हो जाते हैं जाकर, है ना? और ज्यादातर समय देखेंगे जो सामान्यता मैंने देखा है अपने आसपास, है ना, कि इन जी दो भागों में लोग बहुत इंडल्ज रहते हैं। जी तो इन दोनों भागों में इंडल्ज ना होते हुए सिर्फ उसको देखने का जो बात हो रही है, जैसे बिल्कुल कि आप एग्जांपल मैं देता हूँ ना, जैसे हम लोग कोई व्यक्ति टीवी सीरियल देखता है, जी आप देखेंगे कुछ लोग उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, अगर हीरो जो बिल्कुल है ना उसके साथ अच्छा हो रहा है तो खुद भी खुश होने लगते हैं, हाँ है ना? बढ़िया जी हीरो अगर पिटाई हो रही है तो खुद भी दुखी होने लगते हैं, हीरो की पिटाई क्यों कर रहा है कोई? हाँ जी वो इस बात को नहीं समझ करेक्ट पाते हैं कि एक घटना चल रही है ना, पूरा एक प्रोग्राम बना हाँ हुआ है, हम उसको बस देख रहे हैं, लेकिन हम उसमें इंडल्ज होने लगते हैं। तो वो हीरो को पीट रहा होता है, विलेन के प्रति हमारा भी विरोध जाग जाता है, हाँ बिल्कुल जबकि करेक्ट हमारे साथ अभी नहीं हो रहा है वो। करेक्ट ऐसी कल्पनाशीलता में भी हमारा सीरियल चलते रहते हैं, बढ़िया है ना? तो वो जी या तो इधर इंडल्ज हो जाते हैं लोग, या तो उस साइड इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमको बिल्कुल पता रहे कि ये सीरियल चल रहा है ना, एक सीक्वेंस आई है, एक धारा भी आई है विचार की एक तरह की, इसको जाने देते हैं, लोग उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करने लगते हैं, जी तो ये एक इश्यू हो जाता है। जी 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 भैया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते सभी को, धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को। मैं एक बात पूछना था, मुझे को कि ये सेल का जो दसों क्रिया होते हैं, इसको कब देखेंगे हम? हम जब स्टेप वन चलाते हैं तो पहले तो प्योर ऑब्जर्वर के नाते हम देखते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, तो फिर इसे नेचुरल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है देखते हैं, ऐसे स्टेप्स तो चलता रहता है। तो दोनों को कैसे देखेंगे एक साथ, मतलब ये दसों क्रिया और ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं एक्सरसाइज वन में, ये था थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम इस प्रक्रिया से चल रहे हैं, है ना, और जैसे जैसे हमारी देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी तो हम क्रियाओं को भी देख सकते हैं। जैसे कुछ क्रियाओं को तो आप अभी भी देख ही सकते हैं, जैसे विचार एक क्रिया चल रही है, इसको जी जी तो हम देख ही सकते हैं अभी भी। हाँ आशा एक क्रिया चल रही है, इसको तो देख ही सकते हैं। जी इच्छा एक क्रिया चल रही है, इसको तो देख ही सकते हैं। नहीं, मेरे लिए ये भी मुश्किल लगता है, मुझे जब मैं स्टेप्स चलाता हूँ तो ये प्रक्रिया मुझे दिखता नहीं है और मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ।
कौन सा विचार है, कौन सा डिजायर है, कौन सा एक्सपेक्टेशन है, ये मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। जी, तो उसमें भी मैं यही कहूंगा कि मतलब दो, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है टेक्निकली हम चीजों को समझ जाएं कि विचार की डेफिनेशन क्या है, किसको कह रहे हैं, है ना, आशा की डेफिनेशन क्या, आशा किसको कह रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है हम अपने में देखें, और हम जब अपने में देख रहे हैं तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि देखो ये विचार चल रहा है और इसके पीछे ये भाव चल रहा है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे ना तो उसमें ज्यादा तृप्ति मिलेगी, है ना। तो जैसे कि हमारे में अगर, एग्जाम्पल के लिए, हमारे में अगर अपमान का विचार चल रहा है तो ये तो जी बहुत क्लियरली दिख जाता है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम निष्कर्ष के थ्रू इस बात को देख लें कि अपमान का विचार इतना चल रहा है तो इसके पीछे जो भाव होगा वो क्या होगा, सम्मान का होगा अपमान का होगा, हम अपने से पूछ सकते हैं, है ना। पूछते हैं तो आंसर इमिजिएटली मिल जाता है, अपमान का ही होगा। तो विचार है, विचार तो हमको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अभी भाव को देखेंगे तो हम एक तर्क के आधार पर अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा क्या जिस तरह से मैं विचार को डायरेक्टली देख पाता हूँ, भाव को भी डायरेक्टली देखने का पोटेंशियल हम में है। तो उसके लिए थोड़ा और ऑब्जर्वेशन ना शार्प करना पड़ेगा और सूक्ष्मता बढ़नी पड़ेगी। तो कई बार होगा, ऐसा भी नहीं है, देखिए अभी भी ऐसा नहीं है कि हम भाव को नहीं देख पाते होंगे, हमारा विचार को पकड़ने का अभ्यास ज्यादा है ना, भाव को पकड़ने का अभ्यास अभी बहुत कम है। तो आप थोड़ा बहुत जो देख भी पाते होंगे उसको देख के आर्टिकुलेट नहीं कर पाते होंगे, तो अभी इतना भी मुझे लगता है नहीं है कि हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। उसको देखना और उसको आर्टिकुलेट कर लेना ये हम अभी नहीं कर पाते क्योंकि देखने वाला भाग कम है भाव का। तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, अगर आपको विचार ही दिख रहा है ना, और डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा है आपको विचार इच्छा आशा में, तो उस पर बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। तो जी पहले हमारा कंटेंट पर ध्यान चला जाए, फिर कंटेंट जिन क्रियाओं से हो रहा है उन क्रियाओं पर ध्यान चला जाएगा। देखिए जी 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 अल्टीमेटली तो तो मेरे बात इतनी है कि मेरे में जो चल रहा है और असहज चल रहा है तो उसको मुझसे विदा होना है, इतनी बात है। अच्छा, तो पहले आप बोल रहे हैं कि ये स्टेप्स ज्यादा जरूरी है, इसके इस पर हम टिके रहेंगे, फिर बिल्कुल बाद बिल्कुल में ये दिखेगा। अच्छा, धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल आपका, धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज आ रही भैया? जी, बिल्कुल हाँ भैया, तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके कुछ के तो आंसर मिले हैं, लेकिन एक बचा हुआ है तो मैं पूछ लेता हूँ अभी। तो भैया, जी अभी जब भाव को देखने का प्रयास करते हैं, विचार को देखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें विचार तो आता है सामने, जो विचार चल रहे हैं उससे एक इंटरप्रिटेशन होता है भाव का, ये तो इतना दिख रहा है। लेकिन भैया, इसको भी अगर देखें, इंटरप्रिटेशन को भी, तो शरीर पे आने वाला जो प्रभाव है उसके आधार पे इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कोई विचार चल रहा है और उसमें असहज और सहज को मैं नहीं समझ पा रहा बेसिकली क्या है, बट शरीर पे जब प्रभाव आता है तो उसको सहजता और असहजता के रूप में दिखता है। जैसे विरोध का भाव किसी को चल रहा है तो उसमें ये होता है कि ये आदमी गलत कर रहा है और ये सारे विचार चलते हैं, इसका सही वाला मेरे पास है तो, लेकिन ये मान रखा है कि ये सुनेगा नहीं मेरी बात को, तो ये मेरे में एक मान्यता तो है कि वो सुनेगा नहीं, या फिर कहीं ना कहीं मैं अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहा। तो इसका जो प्रभाव शरीर पे आता है, जैसे उसमें कभी कभी क्या होता है कि एकदम ऐसा लगता है कि हार्ट पे कुछ प्रेशर सा है, या फिर जो सिर है, सिर में बहुत सारा एकदम एक बहुत बादल सा आ जाता है, वहां भारीपन हो जाता है पूरा। तो इस तरह से उसको प्रभाव देखते हैं तो लगता है ये असहज है, और सहजता मतलब इन दोनों पे नहीं आता है। अभी भैया इतना दिख रहा है, और क्या ये सही है, और इसको या कुछ और इम्प्रूव किया जाए? डायरेक्टली सहजता और असहजता को अभी नहीं देख पा रहे हैं। जी भैया, देखिए मुझे क्या लगता है कि अभी हम कल्पनाशीलता में कुछ स्टार्ट होता है क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो अगर कुछ अन्यथा स्टार्ट हो जाता है ना, तो उससे विचार बनने लगते हैं, विचार फैलने लगते हैं, और विचार फैलने हैं तब भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, उस विचार का जो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ना है वो पड़ने लगता है। तो जब पड़ने लगता है
कई लोगों का तब भी ध्यान नहीं जाता है, वो तो अपने ऊपर पड़ जाता है फिर दूसरे के ऊपर एक्सप्रेस होने लगता है, तब भी कई लोगों का ध्यान नहीं जाता है। दूसरा जब शोर मचाता है ना कि बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हो तुम, तब किसी का ध्यान जाता है। तो अभी अगर अपनी यात्रा को हम लोग देखेंगे जैसा आप शेयर कर रहे हैं, तो कम से कम आपका शरीर पर प्रभाव पड़ा, उतने पर ध्यान चला गया है। जी और थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो शरीर पर प्रभाव पड़ने से पहले आपकी कल्पनाशीलता में आप असहज हो रहे हैं कि सहज हो रहे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं आराम से, है ना। तो जैसे जी कि आप में जब ये आता है भाव विचार कि दूसरा तो नहीं सुनेगा, है ना, तो उस समय अगर हम ध्यान दें अपने ऊपर कि क्या चल रहा है मेरे में, तो आप देख सकते हैं, एक तो ये देख सकते हैं कि जो विचार चल रहे हैं, ये जो विचार हैं ये मुझे कंफर्टेबल कर रहे हैं अनकंफर्टेबल, एक तो यही देख सकते हैं। फिर उस समय भाव भी देख सकते हैं कि क्या भाव आप में है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा हम डिले कर देते हैं, जब शरीर पर प्रभाव आता है तब हमारा ध्यान जाता है। तो उसको अगर मुझे लगता है उसका जो एक सिंपल वे है कि अगर हम इस बात को ध्यान बनाए रखें कि मेरे में क्या शुरू होता है क्या चल रहा है उस पर मुझे ध्यान देना है, तो मुझे लगता है कि 10 बार में एक बार तो हमारा ध्यान इस पे जा ही सकता है कि शरीर पे प्रभाव आने से पहले हमारे में क्या हुआ है। और जी उसको भी मुझे लगता है घर की बहुत सामान्य घटनाओं से हम देख सकते हैं, जैसे मैं अपने लिए तो देख सकता हूँ आराम से। तो जैसे आपने अपने बच्चे से वाइफ से कुछ कहा है ना, और उन्होंने डिनाई कर दिया, तो अब मेरे में क्या चलता है उसको तो आप आराम से देख ही सकते हैं, मतलब कोशिश करके देखिए उस समय क्या चलता है। तो इससे पहले कि वो पूरा फैले है ना, फिर बॉडी पर आए उसका प्रभाव पड़े, फिर आप हम लोग डांट डपट स्टार्ट करें, उसको शुरू से अवेयरनेस रखा जाए कि इस बार मैं अवेयरनेस रखूंगा कि जब ऐसी स्थिति आती है कि मेरे में क्या चल रहा है, देखेंगे उसको। तो उतना मुझे जी लगता है निर्णय भर बनाए रखते हैं ना, तो बहुत ध्यान शिफ्ट हो जाता है। वो इशू ये है कि हमारा में कुछ शुरू होता है, हम असहज होते हैं, शरीर पर प्रभाव आता है, तब हमारा ध्यान जाता है कि हमको कल्पनाशीलता में भी देखना है ना। अगर हम पहले से निर्णय बना के रखें कि कल्पनाशीलता में ही देखना है, तो जो चीजें बाहर मैनिफेस्ट हो रही हैं वो आ तो मेरी कल्पनाशीलता से रही है तो अभी बिल्कुल तो तब ध्यान जाता है जो सिचुएशन बिगड़ती है। तो अभी सामान्यतः हम लोग अभ्यास करें छोटे छोटे चीजों का, जैसे आप बैठे हुए हैं घर में या ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो देखें हम लोग कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। ऐसे छोटे छोटे जगह अभ्यास करें, आप गेट पर आए हैं, आप बेल बजा रहे हैं, गेट नहीं खुल रहा है, उस समय आप निर्णय लीजिए कि गेट जब तक नहीं खुल रहा है तब तक मैं अपनी कल्पनाशीलता में देखूंगा क्या चल रहा है। तो ये छोटी छोटी जगह अभ्यास करेंगे ना तो ध्यान जाने लगेगा। तो अभी क्या होता है, जब तक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है तब हम लोग अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, जब सिचुएशन बिगड़ती है ना तो हमको ज्यादा ध्यान आता है कि अभ्यास करना है। तो इन्वायरमेंट हमारे लिए कंड्यूसिव हो या नॉन कंड्यूसिव हो, हम अपने में अगर ये बना के रखें कि हमको अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान बनाए रखना है, सिर्फ इतना ही बनाए रखें, तो मुझे लगता है शिफ्टिंग होती है शिफ्टिंग होती है, और मुझे लगता है कि थोड़े से अभ्यास से हम लोग उसको देख भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया, जी इसमें भैया एक बात ये भी दिखती है कि इम्पोर्टेंस किसको दिया है। जैसे शरीर को इम्पोर्टेंस दिया है तो शरीर पे प्रभाव को देख रहे हैं, और कल्पनाशीलता पे भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा तो इसलिए उस पे ध्यान नहीं बन पा रहा है। क्या इसको भैया ऐसे कह सकते हैं? ये भी एक वे है कि जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं उस पर ध्यान जाता है। तो आपका सुख दुख आपकी कल्पनाशीलता में है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात हो जाए तो वहां ध्यान जाने लगेगा। अभी कहीं ना कहीं हमने हमारी कल्पनाशीलता में ये बैठा हुआ है कि शरीर पे जब आता है तभी मुझे दिखता है, ये जो हमने बना लिया है ना इसको भी लूज करने की जरूरत है। शरीर पे आता है तभी मुझे नहीं दिखता है, देखने का पोटेंशियल तो मेरा है ही शरीर में आने से पहले भी, तो उसको भी थोड़ा जी लूज करने की जरूरत है कि शरीर पे आता है तभी मुझे दिखता है, ऐसा नहीं है। शरीर से आने से पहले जो कल्पनाशीलता में चल रहा है वहां भी हो रहा है और उसको भी मैं देख सकता हूं।
तो अगर ये हम अपने में एक निर्णय लें तो उस प्रभाव आने शरीर में आने से पहले मैं उसको देख पाऊंगा। जी 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 भैया, अब मैं प्रयास करता हूँ उसके लिए आगे। जी बिल्कुल, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। भैया नमस्ते गोपाल भैया। पहले नमस्ते भैया, नमस्ते। तो मुझे याद आता है कि आपके साथ एक फैमिली वर्कशॉप लगाई थी कुछ साल पहले। अच्छा, अच्छा, उसका बड़ा उपकार रहा भैया, आपके एग्जांपल्स बड़े स्टीप और उससे बड़ा बड़ा उसके उपकार हुआ। तो अभी मॉर्निंग सेशंस तो हैं ही, तो कल से हमारा ना समर वेकेशन शुरू हुआ कॉलेज में तो टीचर्स के साथ। पर जी क्योंकि मेरा एडमिशन्स में भी भागीदारी रहती है, जिम्मेदारी रहती है, तो मुझे मेरे दिमाग मेरे में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैंने वेकेशन लेना है। तो सहजता बनी रही, जब मैं कॉलेज गया तो कुछ एक दो लोगों ने कहा कि आपकी तो आज वेकेशन था, तो मैंने कहा नहीं कि मेरा तो आज मेरी एडमिशन की जिम्मेदारी है, तो किसी और ने भी कहा फिर कब लेंगे, मैंने कहा वो अभी तो कोई ख्याल नहीं है वेकेशन का। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ भैया कि भाई मैं पता नहीं मैं भाव देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं सहजता, जैसे पविंदर भैया भी बात कर रहे थे, तो अगर मैं पहले की स्थिति की बात करूँ तो कन्फ्यूजन रहता था कि मुझे लगता है उसके पीछे ये संस्कार था कि ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट है और घर में ही आराम मिलेगा, शरीर से आराम मिलेगा। तो मैं देख जी पाता हूँ कि मैं इतवार को भी कहीं, अगर कॉलेज का भी कहीं भी, इवन घर का भी कोई अगर कहीं भागीदारी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में भी पूरी जिम्मेदारी तो है ये, पर भागीदारी कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो पर मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं देख पाता हूँ कि पहले अगर था तो कन्फ्यूजन रहता था, तो उससे काफ़ी अंतर्द्वंद होता था कि मुझे घर में रहना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को देखते थे, शायद वो कंपटीशन का रहता था कि बाकी लोग आराम कर रहे हैं, और फिर शायद ये मान्यता भी थी कि आराम तो शरीर को देके ही मिलेगा, आराम से घर बैठेंगे। तो जब जब जैसे अंदर अब देखना हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितना देख पा रहा हूँ, पर वो जो सहजता बनी हुई है, तो अगर इतवार में भी कहीं जाना है तो चाहे घर में भी, जब अंदर आराम बना है, इसमें भागीदारी संबंध दिख रहा है, तो मैं बस इतना ही ये शेयर करना चाह रहा था कि मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि मैं भाव देख पा रहा हूँ कि नहीं, पर सहजता बनी हुई है, क्योंकि पहले कन्फ्यूजन होता था, असहजता बनती थी, फिर जो पविंदर भैया ने कहा, फिर शरीर मेरा सिर बहुत दुखता रहता था, जी लगातार दुखता रहता था, और मुझे पता भी था कि ये सिर दुखना, कई बार तो ऐसा भी लगता था कि शायद शरीर में कोई मुझे खास बीमारी हो गई है, बट कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि ये जो सिर दुख रहा है ना, ये कहीं अंतर्द्वंद हैं बहुत सारे, क्योंकि तो अंदर का पता तो थी स्थिति, बट जी भैया समाधान बिल्कुल नहीं था कभी, ज्ञान ऐसा जो ज्ञान अंदर देखना समझना कंटेम्पलेशन चिंतन, अब उससे मुझे बस मैं सहजता बनी रहती है, और सिर दुखना बिल्कुल ही अब वो खत्म ही हो गया है। तो जी जी बस इतना ही मैं शेयर करना चाहता था, तो इसमें कोई आप अगर कोई इनपुट अगर आप देना चाहते हो भैया तो बहुत नहीं, बढ़िया बढ़िया है रहेगा। भैया। देखिए, दो तीन बातों में अपनी बात रख देता हूँ। एक तो देखिए, ये अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत सारा जो पहले अन्यथा बना रखा था जिसमें हम उलझते हैं, उसके उलझने से तो हम बच ही जाते हैं कम से कम, है ना। और जितना उलझने से बचते हैं तो उसका भी हमको आराम तो मिलता ही है। और अभी देखेंगे तो विचारों में जब बहुत अंतर्विरोध होता है ना, तो हम चित्रण में उसको बहुत फैलाते हैं, तो हम ब्रेन को ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, तो वो जो सरदर्द होना है, एकदम से थकान हो जाना है, ये सब जो फैलाया है ना हमने कल्पनाशीलता में अन्यथा, और ब्रेन को जब हम ऑक्यूपाइड कर लेते हैं तो ये समस्या होती है। और भाव के लेवल पर जब हम चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हार्ट पे दिखाई देता है। तो चैतन्य इकाई को अगर देखेंगे तो उसमें चल तो सब कुछ उसी में रहा है, लेकिन इम्पैक्ट हमको अलग अलग जगह दिखता है कि हम बॉडी के कौन से भाग को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने में। तो अभी उसको देखेंगे तो एक अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि पूरे प्रोसेस को अगर देखेंगे तो आप उन चीज़ों से निकल पाए हैं, है ना। और निकलने के लिए भी देखेंगे तो क्या किया है, सिर्फ इतना ही किया है कि अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया है। तो ध्यान दे रहे हैं तो कम से कम एक पार्ट से तो हम लोग बहुत जल्दी ये देख लेते हैं कि इसमें उलझना नहीं है, तो उस
अन्यथा जो हम उलझ के जो इतना समय लगाते थे, जो कल्पना शीलता फैलाते थे, जो ब्रेन को इन्वॉल्व करते थे, उन सब चीज़ों से तो हम बच ही पाते हैं। ये तो एक है ना, बहुत दिखता है, जो जैसे अभ्यास करते हैं वो तो बहुत ही विजिबल है। दूसरी बात और ध्यान से देखेंगे कि अभी हमारे में जो असहज विचार और भाव है ना, इनको देख लेना और देख के बता देना है, ये वाला पार्ट हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम में शांत विचार है, शांत भाव से जो विचार आ रहे हैं ना, पीसफुल विचार है, हार्मोनियस विचार है, विश्वास के भाव के साथ जो विचार बन रहे हैं, उन भाव और विचार तो अभी हम देख के और आर्टिकुलेट करके किसी को बताएं, ये वाला अभ्यास अभी नहीं है। तो इसलिए जो बार बार बात आती है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मैं हूं मैं कंफर्टेबल, तो एक पॉसिबिलिटी मुझे कंफर्टेबिलिटी की ये भी लगती है। तो दो तरह से मैं इसको देखता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो पहले इंडल्ज हो जाते थे, उसमें इंडल्जेंस नहीं हो रहा है, तो एक तो उसकी वजह से आराम मिल रहा है। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम में कुछ सेटल्ड हुआ है, लेकिन उस सेटल्ड चीज़ों का आराम तो मिल रहा है, लेकिन वो सेटल्ड चीज़ों को देखने की जो सूक्ष्मता है, उसको एज इट इज देख पाना और आर्टिकुलेट करके बता पाना, ये वाला अभ्यास अभी नहीं हो पा रहा है उतनी सूक्ष्मता के साथ। तो हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ये तो बता ही पाते हैं कि हम पहले से ज़्यादा सहज हो रहे हैं। तीसरी और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये शांत विचारों को भी देख लेना, अशांत विचारों को भी देख लेना है ना, ये दोनों को देखने का पोटेंशियल हम में है। ये बात का अगर हम में क्लैरिटी हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, ये प्रोसेस अपने में कंटिन्यू बनेगा। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत अभी है। तो आपकी शेयरिंग से, तो मैं आपकी और पवनेन जी की शेयरिंग से, दोनों की शेयरिंग से मैं तो इतना ही देख पा रहा हूँ कि एक तो हम उलझने से बच रहे हैं, इससे भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे ज़्यादा जो चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं इतने लॉन्ग समय से हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, अब उनको देखने की सूक्ष्मता हमको और है ना बढ़ेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे इस प्रोसेस में जाएंगे वो सूक्ष्मता बढ़ेगी, फिर उनको भी हम अच्छे से बता भी पाएंगे कि अभी जो हम सहज फील कर रहे हैं वो इस भाव के कारण भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम आप सब लोग जब इस प्रोसेस को और है ना स्ट्रेंथन और डिटर्मिनेशन से करेंगे तो हम इस चीज़ को भी बता पाएंगे। जी भैया, जी भैया, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वही संस्कार तो कुछ ना कुछ दिखना, जैसे भाव है तो जिम्मेदारी और संबंध दिख रहा है, तो भागीदारी फिर जिम्मेदारी, इसमें पार्टिसिपेशन दिखता है। तो जैसे अगर चाहे स्टूडेंट्स भी हैं तो उसमें भी संबंध तो था ही, बट कई बार दिखता नहीं था, फिर भागीदारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो अब किसी भी के साथ भी, और उसके बाद जो संस्कार था कि आराम वाला, मुझे लगता है कि भाई घर में बैठ के आराम मिलेगा। चाहे यहाँ भी बड़ा अंतर्द्वंद तो रहता था, घर में बैठ के भी बड़ा लगता था कि घर में बैठेंगे तो आराम मिलेगा, या ऑफिस में नहीं मिलेगा। या जैसे अब मेरे जो सारे कुलीग्स हैं वो बात कर रहे थे कि भाई जो कुलीग्स हैं बाहर गए हैं, फेसबुक पे वो डाल रहे हैं कि कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो मुझे भी कह रहे थे कि आप घूमने नहीं जाएंगे। तो फिर वही सही बात है कि घूमने का पर्पस क्या है, बात है। तो उस पर आप काफी सेटल घूम हुआ है रहे हैं, भैया। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी भैया, बस वही है। और तो क्या वही 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 मतलब सेटल हो रहा है अपने में। तो वो कहते हैं जी, कि आप घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उसका कुछ जवाब तो ठीक है शब्दों में देते हैं कि भाई अगर हम जाते भी हैं तो फिर वहां से थक के आते हैं वापस। तो सही अगर बात। तो उसके लिए जा रहे हैं कोई खुशी के लिए, तो फिर कई बार ही आके हम दुखी भी होते हैं, तो फिर पर्पस क्या रहा। तो कुछ ऐसी देखिए ये बातें कर सब लेते हैं। मुझे लगता है ना, ये सब करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, हाँ अभी उसमें जरूरत सिर्फ नहीं हुई। इतनी बात है कि हम तो क्लैरिटी हो गई है कि कल्पनाशीलता में ही बस आराम है, और मैं आराम में हूँ। बस यस जी भैया, लोग अभी बहुत तरीकों से प्रयास कर रहे हैं, इधर जाके जी उधर जी जाके, तो देर सवेर उनको भी दिखेगा कि आराम तो कल्पनाशीलता में ही हो सकता है। तो जी लोग अभी भैया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करने दीजिए एक्सपेरिमेंट को कि हम ठीक है। उनको नहीं नहीं ठीक है जी भैया, सारे रोके अभी है ना। ठीक है जी भैया, ठीक है। हाँ नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। जी, आ रही है, आ रही है। जी, मेरा भी एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन है। एक तो मुझे ये कहना था कि पहले मैं जैसे विचार नहीं देख पा रहा था, अब थोड़ा सा ध्यान देने पे जी और आप लोगों की बात सुनने से विचार को दिखने लगे हैं, जी और जी वो जैसे आप कह रहे हैं कि एक विचार के बाद दूसरा विचार, तीसरा विचार, वो भी दिखने लगा है। तो सारा जी फोकस हटा के अभी सारा फोकस इसी पे किया है कि इसको देखना है।
बट एक कंफ्यूजन थोड़ा सा ये हो रहा है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि उसमें उलझ नहीं जाना है विचारों में, है ना, और उसको एक तटस्थ या एक साइड से देखना है ना, अलग से उनमें उलझना नहीं, तो ये मुझे जी कैसे पता चलेगा कि मैं उसमें उलझ गया हूँ या मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ तटस्थ भाव से, ये थोड़ा सा मुझे पता है। जी देखिए, अगर आप उलझ गए तो थोड़ी देर बाद जब आप उससे किसी वजह से बाहर आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा इतना समय मैं कहाँ था, है ना। जैसे उलझने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारे में किसी के लिए विरोध का भाव आया, है ना, यहाँ तक ठीक है, उससे कुछ विचार चला, यहाँ तक भी ठीक है। अब हम उस विचार में इन्वॉल्व होने लगे, अच्छा रहा इसके साथ हो गया, है ना, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन होगा क्या, ये विरोध का जो विचार आया है, विरोध का जो भाव बना है अभी अपने में, ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो चाहते हैं सुख की निरंतरता। तो देर सवेर आप उससे या तो ध्यान हटेगा या आप खुद बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो उससे जब बाहर आने की कोशिश करेंगे, आ जाएंगे, तब आपका ध्यान चला जाएगा कि देखो मैं कहाँ उलझा हुआ था, है ना। एक तो ये इंडिकेशन है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं इसको। दूसरा ये है कि आप अपने में जब ऐसे विचारों को देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम इंडल्ज हुए हैं या उसको देख रहे हैं। अगर देखने का पोटेंशियल में मैं पहुंच गया हूं, तो उससे बिना प्रभावित हुए उसको मैं पूरा होने दूंगा। लेकिन पूरा होने से पहले ही उसे मैं या इंटरप्ट कर देता हूँ, या रोकने का प्रयास करता हूँ, या हटाने का प्रयास करता हूँ, या थोड़ी देर बाद ये निर्णय निकलता है कि कहाँ चक्कर में फंसे थे, तो इसका मतलब हम उसमें इंडल्ज हो गए थे। ये कुछ इंडिकेशंस मुझे दिखते हैं अभी। बहुत जी हाँ भैया बिल्कुल, ये जो आपने सेकंड बताया यही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं उस चीज को रोक के फिर मैं बाहर आ गया, तो जी जी वो क्योंकि विरोध वाला भाव था, वो विरोध हो रहा था उससे। हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, तो मैं एक बार पूरी बात को समअप कर देता हूँ अपनी तरफ से, फिर हम लोग इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कल्पनाशीलता पर अवेयरनेस बन जाए, है ना। मैं अपने को ही देखने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अपने को देखने का प्रयास? क्योंकि मेरा सुख दुख मेरी कल्पनाशीलता में ही है। तो अगर सुखी दुखी को देखना है, इसका क्या आधार है, कैसे मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ, तो इसके लिए कल्पनाशीलता में ही देखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो अभी कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो सब कुछ दिख जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेकिन जितना दिख रहा है, जितने पर ध्यान जा रहा है, उतने में हमारी अवेयरनेस बनी रहे, और ये बात ध्यान बनी रहे कि जितना भी देख पा रहा है उसका, वो तो कम से कम मूल्यांकन अभी ना करें, प्रतिक्रिया ना करें, रोकने का प्रयास ना करें, बदलने का प्रयास ना करें, उसको देखते रहें, उसको बाहर आने दें, है ना। भले ही हम असहज फील कर रहे हो, सहज फील कर रहे हो, वो जितना उसकी डेप्थ है ना, अगर हम उसको पूरा डेप्थ से बाहर आ जाने देंगे, तो बहुत सारा होमवर्क हमारा हो जाएगा फिर, तो आगे की स्टेप्स तो है ना और आसान है बिल्कुल। लेकिन ये पूरा निकलने दें, निकलने तक हम उसको ऑब्जर्व करें, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं बार बार इस पर, है ना, ध्यान दिलाने की कोशिश करता रहा हूँ कि जब भी हम अपने में देख रहे हैं तो उसको पूरा आने दें। जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ये वाला काम हम लोग नहीं करना है, ये भी ध्यान में बनाए रखें। तो ऐसा करते हुए हमारा ध्यान जो है कई बार बाहर भटकता है, जाता है, उसको भी जबरदस्ती वापस लाना है, इस पर नहीं प्रयास करें हम लोग। उस पर भी ध्यान बनाए रखें कि हाँ मेरा ध्यान बाहर चला गया है ना, तो चला गया है अभी, उसको भी अवेयरनेस से देख लीजिए, चला गया है। लेकिन अल्टीमेटली देखना तो मुझे अपने को है। ये सहज तरीके से अपने में हम लोग अगर रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारी कल्पनाशीलता पे आने लगेगा। तो ये एक बहुत सरल स्टेप है, प्रक्रिया है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। सरल इसलिए है कि कल्पनाशीलता हम में चल रहा है, देखने की क्षमता हम में है, हमको देखने का निर्णय लेना है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमारा सुख दुख भाव विचार सब हमारी कल्पनाशीलता में। आराम देखेंगे तो बाहर नहीं है, आराम तो अपने में ही हो सकता है। तो इसलिए अपने को देखना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, और सही सरल स्टेप इसलिए क्योंकि हमको बाहर से कुछ करना नहीं है, अपने में ही देखना है। वो तो निर्णय की बात है, कभी भी हम निर्णय ले लें कि मेरे में क्या चल रहा है। और देखने का पोटेंशियल हम में बने हुए हैं, तो हम देख भी सकते हैं।
तो इस निर्णय के साथ चलेंगे तो ये स्टेप आसान लग सकती है, लेकिन जब इसको करने जाएंगे तो जो बहुत सारे हमारे संस्कार बाहर आएंगे, जैसे सब लोग शेयर कर रहे हैं, उनको इंटरप्ट ना करते हुए उसको भी देखने का ही काम करें, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम भैया जो कह रहे थे प्रवीण भैया कि जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं उसी पर हम ध्यान देते हैं, तो अगर हम बाहर की चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं तो बाहर की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब हम इस बात को भी देख लें कि मेरा सुख दुख मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए सुख की निरंतरता महत्वपूर्ण है और ये सब कल्पनाशीलता में हो रहा है। इतनी बात को हम और ध्यान दे लें तो हमारे सुख की निरंतरता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए कल्पनाशीलता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, उसके लिए देखने की जो फैकल्टी है उसको समझना एक इम्पॉर्टेंट बात है। इतने पर अगर मेरा ध्यान चला जाए, इम्पॉर्टेंट हो जाए मेरे में, तो हमारा ध्यान फिर उस पर बना रहना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो और इस बात पे ध्यान रखना है कि हम इस पूरे प्रोसेस में शरीर का यूज नहीं कर रहे हैं, संवेदना के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हम उसके है ना संवेदनाओं पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, ये निर्णय हमको अपने में बनाए रखना है और ध्यान कल्पनाशीलता पर रखना है। ये निर्णय बनाए रखेंगे तो जब जब बाहर ध्यान जाएगा तो थोड़ी देर बाद स्वतः ही वो अपने में आने लगता है ना। तो भाव को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्रियाओं को अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तो जितना जितना हमारे देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी हम भाव में भी डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे है ना, डिफरेंस कर पाएंगे, क्रियाओं में भी डिफरेंस कर पाएंगे, और जिस तरह से आज हम विचार को बता पा रहे हैं फिर हम भाव को भी बता पाएंगे, क्रियाओं को भी बता पाएंगे, लेकिन वो सूक्ष्मता बढ़ते के साथ जब आएगा ना तो ज़्यादा तृप्तिपूर्वक होगा, बजाय कि हम रैशनली है ना उसकी डेफिनेशंस को समझने की भी कोशिश करें। तो जैसा अभी डिस्कस हुआ था प्रवीण भैया के साथ कि बहुत सारा जब हम देखते हैं तो सिर में दर्द या नींद आने लगती है, तो उसको अभी मैंने एड्रेस किया ही था और यहाँ पीपीटी में लिखा भी और भी है कि बहुत सारा हम क्या करते हैं जब देखते हैं तो हम या तो कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा होता है उससे बहुत परेशान होते हैं, उसको फैलाने लगते हैं, या फिर हम शरीर को ही यूज़ करने लगते हैं। तो जैसे ही मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे अपने को देखना है तो हम आंखों पे जोर डालने लगते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा हम लोग अवेयरनेस के साथ निर्णय लें कि जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे आंखों की जरूरत है नहीं, उसको रेस्ट करने दीजिए, नहीं तो आंखों को भी हम इन्वॉल्व करने लगते हैं और संवेदनाओं को इन्वॉल्व करने लगते हैं, है ना, उसका रूप रंग ये सब में देखने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी कठिनाइयां जनरेट हो जाती हैं फिर। तो इतनी बात से मैं भी समाप्त करता हूँ, समय हो रहा है, तो हम अपने में देखने का है ना निर्णय लें, जो भी चल रहा है उसको देखें, जितना देख पा रहे हैं उतना देखें, जितनी देर ध्यान जा रहा है उतनी देर ध्यान दें, और बाकी अपने में निर्णय बनाए रखें कि देखना तो मुझे स्वयं ने, तो इतना अभ्यास अगर हम करते रहेंगे तो कल हम लोग है ना और शेयरिंग के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते सभी को।